सबसे प्यारी चीज, अरे तुम तो कहते हो हम बहुत मानते हैं ठाकुर जी को, सबसे प्यारी चीज क्या थी? मुरली। राधा से भी प्यारी थी मुरली। और जब मुरली बजाते थे तो सारे जितने भी वहां के वृंदावन के वृक्ष पशु पक्षी थे वो सब एकत्रित हो जाया करते थे। लेकिन जो भी काम करो मेहरबानो मन से करो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो मन से करो, पूजा कर रहे हो तो मन से करो, श्रद्धा से करो, भाव से करो। भगवान प्रेम के भूखे हैं, ये नहीं चाहते कि मुझे धन दौलत एकत्रित करो और चढ़ावा दो, ये प्रेम के भूखे हैं। आइए किस तरह से बता दिया। बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो, बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो, बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो, 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 बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो, बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो। जन्म मथुरा में लेकर के मचाई धूम गोकुल में, जन्म मथुरा में लेकर के मचाई धूम गोकुल में, जन्म मथुरा में लेकर के मचाई धूम गोकुल में, जन्म मथुरा में लेकर के मचाई धूम गोकुल में, मचाई धूम गोकुल में, बढ़ाया मान भक्तों का, बढ़ाया मान भक्तों का, बढ़िया हो तो ऐसा हो, बजाई शाम में मुरली बजैया हो तो ऐसा हो। आ, आ, से सुंदर सपनों से प्यारा है तेरा ये द्वार, हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, कभी तेरा प्यार न रूठे, कभी तेरा प्यार न रूठे हो, कभी तेरा प्यार न रूठे, कभी तेरा साथ न छूटे। कर चीर सखियों के कदम के डाल जा बैठे, चुरा कर चीर सखियों के कदम के डाल जा बैठे, चुरा कर चीर सखियों के कदम के डाल जा बैठे, चुरा कर
बताओ कान्हा ने गोपिकाओं के वस्त्र क्यों चुराए? कोई बताएगा? ये पंडितों का समाज बैठा है, पंडितों के घर में हम गाना गा रहे हैं, और अगर भारतवर्ष से इस बच रहा है तो ये पंडितों की मेहरबानी है, नहीं तो खत्म हो लिया होता उधर है, क्योंकि उनमें भाव बहुत होता है, श्रद्धा बहुत होती है मेहरबानों, और श्रद्धा भाव से भारतवर्ष का नाम है। क्यों चुराए कान्हा ने गोपिकाओं के वस्त्र? कोई बताएगा पंडित जी? नहीं आप नहीं बताओगे। क्यों चुराए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी उनको उपदेश देना चाहते थे कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। गंगा जल में निर्वस्त्र, जल में निर्वस्त्र होकर अगर नहाओगे तो सात पीढ़ियों तक कोढ़ ही बनोगे। बोलिए सच्चे दरबार जय हो। करे सुमिरन सखी सारी, करे सुमिरन सखी सारी, चुरैया हो तो ऐसा बजाई शाम ने मुरली, बजैया हो तो ऐसा हो। बहाना गेंद का लेकर कब? जब जमुना जल के बीचों बीच काली देह बन गया, उस काली देह में काली नाग रहता था, और जो भी पशु पक्षी उसका पानी पीता वो तुरंत मर जाता था। सारे ग्वाल बाल इकट्ठा होकर के कान्हा के पास गए, बोले रे कान्हा हमारे पशु पक्षियों की लाज बचा, जान बचा, ये मर रहे हैं। तो कान्हा ने कहा कोई बात नहीं, मैं सारी विपदा अभी हर दूंगा। गेंद और बल्ले का खेल लिया, जमुना जल के किनारे पर गए खेलने के लिए, और गेंद से ऐसा गेंद में टोल मारा, बल्ले से गेंद जाकर के काली देह में गिरी। बहाना गेंद काले कर गए थे नागनाथन को, 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 गए थे नागनाथन को, नाग को नाथ कर ल्याए, नाग को नाथ कर ल्याए, नथैया हो दो बजाई शाम ने मुरली, बजैया हो दो ऐसा, बजाई शाम ने मुरली, बजैया हो तो ऐसा हो। भरी सभा में द्रौपदी देर लगा रही थी, कान्हा आज मेरी लाज लूटी जा रही है। जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, सब उसे नंगा करने के लिए तत्पर थे मेहरबानों, तो द्रौपदी ने आस लगाई कि मेरे भाई, हे मेरे कन्हाई, मेरे बंसी वाले आ जा। कान्हा रे कान्हा रे कान्हा रे मेरे भाई, मेरे भैया कान्हा रे कान्हा रे।
सभा में तेरती द्रौपदी बचाने लाज को आकर सभा में तेरती द्रौपदी बचाने लाज को आकर सभा में तेरती द्रौपदी बचाने लाज को आकर सभा में तेरती द्रौपदी बचाने चाले लाज तू आकर तेरे बिन कौन मेरा है तेरे बिन कौन मेरा है बचैया हो दुरागा बजाई गाने मुरली बचैया हो तो ऐसा हो बजाई गाने मुरली बजैया हो तो ऐसा हो बजैया हो बजाई गाने मुरली बजैया हो तो ऐसा हो बजाई गाने मुरली बजैया हो तो ऐसा हो बोले बंसी वाले की जय हो। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे हाथ उठा करके पीछे वालों बोले सच्चे दरबार की जय हो। बंसी